ये समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर कभी भी समाजवादियों ने गठबंधन किए होंगे नेताजी से लेकर के अभी तक कभी समाजवादी गठबंधन पे आरोप नहीं लगता था कि पैसा लेकर के टिकट दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से ओमकार राजभर जी के साथ जब गठबंधन किया आरोप लगा समाजवादी और गठबंधन पे कि यहाँ पर पैसे लेकर के टिकट दी जाती है, उन्हें अगर बीजेपी के साथ जाना है, बीजेपी के साथ तालमेल है और बीजेपी का काम है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल केवल ये नहीं है कि जातियों में बांटना, धर्म में बांटना। मैंने सदन में भी कहा था कि डिवाइड एंड रूल का मतलब ये भी है कि विपक्ष को बांट के रखें, विपक्ष के लोगों को डरा के रखें। हो सकता है कोई डर हो, बीजेपी की तरफ से कोई दबाव हो। आपने महाराष्ट्र में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, बंगाल में आप देख रहे हैं, दिल्ली में आप देख रहे हैं, कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता क्या कोई कल्पना कर सकता है कि उन्हें भी ईडी बुला लेगा? जब कांग्रेस की लीडर को ईडी बुला रहा है तो ये संदेश बीजेपी दे रही है कि अगर उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो आपको भी बुला लिया जाएगा। हो सकता है इसीलिए उत्तर प्रदेश का गठबंधन तोड़ा गया हो। तो सचा शिवपाल को क्यों आपने अलग कर दिया, कहा कि वो उनको आजादी है कि वो स्वतंत्र रहेंगे? अच्छा रहेंगे, लेकिन अगर उन्हें ये लगता है कि मैं सम्मान नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं उन्हें स्वतंत्र करता हूँ और उनको खुली छूट है कि जिस दल के साथ जाना चाहें, जैसा गठबंधन करना चाहे। और सबसे खुशी बात ये होगी कि वो अपना दल दोबारा बनाएं। उनका एक दल है जो पिछड़े हैं, दलित हैं या अल्पसंख्यक हैं, जो आवाज़ उठाना चाहते हैं लोहिया जी की, जयप्रकाश जी की, उस सिद्धांत को अपने दल में शामिल करने वाले लोगों को और आगे बढ़ाएं। ओमप्रकाश राजभर लगातार आप पर सवाल उठाते हैं कि आप एसी से बाहर नहीं निकलते। देखिए एसी क्या है, मैं 22 साल राजनीति हो गई मुझे और 22 साल में आप सब जानते होंगे कि किसके इशारे पे उठा रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि उनके अंदर आत्मा किसी और दल की आ गई है और गांव देहात में झाड़ फूक होती है ना, उन्हें झड़वाना फुकवाना पड़ेगा और तभी ठीक होंगे, उससे पहले ठीक नहीं होने वाले। श्रेणी की सुरक्षा उनको क्यों मिली है? ये इसलिए मिली कि जो बीजेपी को खुश करेगा उसे सुरक्षा मिलेगी, बीजेपी को जो खुश रखेगा वो स्वतंत्र और आजाद घूमेगा। कांवड़ियों का सम्मान होना चाहिए, वो धर्म का है और धर्म में बहस नहीं होनी चाहिए, धर्म में तर्क नहीं होना चाहिए। मैं धर्म में तर्क नहीं कर सकता, जो धर्म की मान्यताएं हैं मैं उसमें तर्क नहीं दे सकता हूं, धर्म में तर्क नहीं दिया जा सकता। सर महंगाई के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? गेहूं महंगाई, बीजेपी को हटाओ महंगाई जाएगी, बीजेपी को हटाओ महंगाई जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है, आप तो बनारस के लोग हैं, भोले बाबा पे अगर दूध चढ़ाने जाएगा तो उसे भी टैक्स देना पड़ेगा। ये जो जीएसटी भोले बाबा पर दूध चढ़ाने पर टैक्स अगर किसी ने लगाया तो बीजेपी ने टैक्स लगाया। जन्माष्टमी आ रही है तो दूध दही मक्खन पे टैक्स लगा दिया। अभी रक्षाबंधन का त्यौहार मनने जा रहा है, घरों में दूध से खीर बनती है, सब्जी आपके मिठाइयाँ बनती हैं, घी से अच्छी सब्जियाँ बनती हैं, जानबूझ करके जीएसटी लगाई दिल्ली ने, अगर जीएसटी लगाई है तो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार बीजेपी के, उसने अनुमति क्यों दी जीएसटी लगाने के लिए? दूध दही पे जीएसटी किसी ने नहीं लगाई होगी, टैक्स कोई दूध दही पे नहीं लगा सकता। और गाय मर रही, सांड लोगों को मार रहे, ये कैसी सरकार है सोचो? सर नौजवान तो बेरोजगारों को जरूरत पड़ने लगी हिंदू तो मुझे जरूरत नहीं है, भाजपाइयों से मुझे जरूरत नहीं है, भाजपाइयों से धर्म नहीं सीखना है। भाजपाइयों का धर्म केवल इस्तेमाल करने के लिए है, भाजपाइयों का धर्म है। अगर भाजपाई धर्म वाले हैं तो बताओ दूध पे टैक्स क्यों लगाया उन्होंने, दही पे टैक्स क्यों लगाया? जो बाबा भोलेनाथ पर चढ़ेगा दूध क्या वो टैक्स वाला दूध नहीं होगा क्या? क्यों लगाया दूध टैक्स पर? आजमगढ़ और रामपुर में आप प्रचार करने नहीं गए, ये बार बार सवाल। हमारी पार्टी का इंटरनल फैसला है और हमें भरोसा रामपुर और आजमगढ़ पे आने वाले समय में दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के साथ होंगी। जान फूंकने के लिए आपका यह दौरा है सर पूर्वांचल? समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है ना, वो निराश होता है और हमारा उनसे ज़्यादा सिद्धांत मजबूत है। वो जानते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई सफाया करेगा तो वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। 2024 में कैसी तैयारी है सर? 2024 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी और मैं जनता से कहूँगा कि जनता से अपील करूँगा, निवेदन करूँगा
कि अपना वोट खराब न करें किसी और को दे करके। दरकिनार हो रहे हैं आपसे आपके। अरे हमारा कोई दरकिनार नहीं हो रहा, अगर तुम्हें आना तुम भी आ जाओ पार्टी में। कहूँगा कि अभी दिल्ली का आंकड़ा आया है, 22 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, कुछ लाख लोगों को नौकरी मिली, और जिस तरीके से अग्निपथ अभी भी अग्निवीर योजना बनी है, हम उसके विरोध में है, खिलाफत करते हैं। यही बनारस, यही चंदौली, यही गाजीपुर, यही जौनपुर, यही आजमगढ़, और यहाँ के पूर्वांचल के और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की भागीदारी हमेशा फौज में ज़्यादा रही है। हमेशा फौज की सेवा करने का उनका सपना होता है, वर्दी पहनने का सपना होता है, देश की सीमा को सुरक्षा देने का उनका सपना है, लेकिन इस सपने को तोड़ने का काम वो कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, और भारतीय जनता पार्टी के लोग वो लोग हैं जो सबसे पहले भाषण में बोलते हैं भारत माता की जय, जो भारत माता की जय बोलते हैं उनसे पूछिए अग्निवीर क्या है। अग्निपथ योजना का विरोध समाजवादी पार्टी, और मैं नौजवानों से कहूँगा कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहें। सर एक तस्वीर आपकी आई है रुद्रा